Hello G, welcome back to Journey Joy Hub by Brad. We are back with another video. आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अभी हफ्ते के दिन का आगाज हुआ है, राजा भाई ने मुंह हाथ धोने के बाद साथ ही कैमरा उठाया है और व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। यार गाइज मैं आपको क्या बताऊं, मौका ही कुछ ऐसा था, मोमेंट ही कुछ ऐसा है और सबसे खास बात फंक्शन ही कुछ ऐसा है। मैंने सोचा कि जल्दी से व्लॉग जो है शुरू किया जाए ताकि आप लोगों को सारी चीजें दिखाई जाए, आप लोगों से शेयर की जाए। तो आपको बताता चलूं, आज जो है बुदापेस्ट में बहुत हैवी इंडियन बॉलीवुड पार्टी होने जा रही है। ये पार्टी अपने कुछ दोस्त, अपने कुछ चाहने वाले ऑर्गेनाइज करे हैं। उन्होंने हमें बड़ा मोहब्बत से भरपूर मैसेज भेजा कि राजा भाई आपने शाम को पार्टी पे तो आना है, मगर आपने कोशिश करनी है कि अपना व्लॉग भी बनाना है, लोगों को हंसाना है और सबसे खास बात लोगों को इंटरटेन करने के साथ साथ आपने इस व्लॉग का हर एक पहलू कैप्चर करना है और दुनिया को दिखाना है। सो गाइस व्लॉग को पूरा देखना, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना एंड यू नो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी गाइस, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि आज हम जो है इंडियन बॉलीवुड पार्टी जो है रात को एंजॉय करेंगे, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं अपने पूरे दिन का स्केड्यूल कि कैसे हम उस पार्टी में पहुंचेंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमारा दोस्त, हमारा जिगरी, हमारा हाफ पाजी वो तो स्पेन में है तो हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, आई विल मिस हिम। लेकिन उसके अलावा और दो दोस्त हमारे जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो अभी मेरी कुछ टाइम पहले उनसे बात हुई है, वो कुछ एक दो घंटे में मेरे घर में पहुंच जाएंगे। तो चलो जी यार एक और चीज बताता चलूं कि रात को हमने चिकन खाया तो चिकन की वजह से पूरे रूम में चिकन चिकन होया पिया है, चिकन की स्मेल हुई पड़ी है। तो चलो सबसे पहले स्मेल को खत्म करने के लिए अगरबत्ती लगा लेते हैं रूम में। आपको पता है हमने ये जगह रखी है, यहाँ पे हम अक्सर अगरबत्ती लगाते हैं ताकि आपको पता है जब रूम अच्छी फ्रेग्रेंस से भरा होता है तो अच्छी चीजें आती हैं और उम्मीद है किसी दिन वो भी इस फ्रेग्रेंस को सूंघते सूंघते इधर आ जाएगी। तो चलो अभी यहाँ से अगरबत्ती लेते हैं, लगाते हैं रूम में, थोड़ा जो है फ्रेग्रेंस लाते हैं, खुशहाली लाते हैं और फिर जो है आपको बताते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने अगरबत्ती ठोक दिया, लाइटर उठा दिया, तो चलो यार इसको अब ऑन करते हैं। अभी 5 मिनट के बाद जो है ये रूम से चिकन की स्मेल आई होप चली जाएगी। तो जाने के बाद जो है फिर हम बताते हैं कि आज पार्टी है, आज भंगड़ा होने वाला है, आज आपको डिफरेंट डांस की कैटेगरीज देखने को मिलेंगी और सबसे खास बात कुछ इंडियन बंधु से मिलाएंगे, कुछ यारों से मिलाएंगे और उनसे गपशप मारेंगे और आप लोगों से जो है शेयर करेंगे। तो हाँ जी गाइस फाइनली चिकन की स्मेल जो है फुल हो गई है, गायब हो गई है, अभी टाइम आ गया है सबसे खास काम करने का। तो चलो पार्टी पे जाना है, आपको पता है देसी पार्टी है तो सबसे पहले आप और मैं मिलके राजा भाई के लिए क्या करेंगे, उसको तो ढूंढेंगे लेकिन आज पार्टी के लिहाज से सबसे पहले राजा भाई के लिए ड्रेसिंग चूज करते हैं। पार्टी है तो ऑफकोर्स पार्टी लुक आनी चाहिए, पार्टी वाली चीजें पहनेंगे। तो चलो आपको पता है राजा भाई के लिए पार्टी लुक डिसाइड करनी है। तो हाँ जी गाइस फाइनली हमने आपका और मेरा काम उसको आसान बनाने के लिए अपनी सारी पार्टी शर्ट्स बाहर निकाल दी हैं और उनको बिल्कुल तरतीब से रख दिया है। तो चलो यार अभी डिसाइड करते हैं कि कौन सी जो पार्टी शर्ट है आज हम पहनने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक कलर हमारे पास ब्राउन है, ब्राउन एंड ब्लैक टुगेदर, दूसरा है ब्लैक, तीसरा है रेड वाला। आपको बताया रेड उसको भी बहुत पसंद था, इसके साथ जाया जा सकता है। और एक और ब्लैक है, ये शाइनी शेड वाला ब्लैक। तो अगर मैं बात करूं तो आई थिंक हमारे कुछ अर्सा पहले बुडापेस्ट में एक और भी देसी पार्टी हुई थी, हम तब ये ब्राउन पहन के गए थे। तब हमने आपको बताया था कि अक्सर लड़कियों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं, तब हमने ब्राउन चूज की थी
लेकिन ये जो है हमने ऑलरेडी एक बार इंडियन पार्टी में यूज कर लिया है, तो चलो ये ऑप्शन से बाय निकल गई। अभी हमारे पास 3 शर्ट्स बचती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सारे बंदे मोस्टली ब्लैक या वाइट कॉम्बिनेशन वगैरह पहन के आएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ आज हम रेड पहन जाएं। और ये बड़ा प्यारा जो है लॉस एंजलस लिखा हुआ है, इसके साथ जो है हमारी गोल्डन ज्वेलरी काफी अच्छी सेट हो रहेगी। तो आई थिंक आई वुड गो विद दिस रेड। रेड हमने चूज कर लिया, रेड उसको पसंद था और पार्टी में भी आने वाले काफी लोगों को पसंद होगा। तो रेड के साथ व्हाइट या ब्लैक जाएगा नीचे। व्हाइट आपको पता है पार्टी में धड़ल्ले धक्के बजेंगे, लोग इधर उधर भागेंगे, डांस करेंगे, तो ऑफ कोर्स आई विल गो विद ब्लैक। तो ये हमारे पास ब्लैक पैंट है, हमने ये साथ रख दी। तो रेड एंड ब्लैक, आई थिंक इट्स अ नाइस कॉम्बिनेशन, रेड शर्ट ब्लैक पैंट्स। और आपको पता है कि आगे हम जाएंगे व्हाइट स्नीकर्स के साथ, ये हमने अपने स्नीकर्स रख दिए। फाइनली हमने अपना जो ड्रेस कोड है वो डिसाइड कर लिया है, रेड ब्लैक एंड व्हाइट। तो चलो जल्दी से अपनी ज्वेलरी निकालते हैं। ज्वेलरी निकालने के साथ साथ जो है अपनी जो क्लोथिंग है उसको क्लोज करते हैं और फिर बाकी की चीजें आपको बताते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हमारे पास ज्वेलरी का एक ये बॉक्स है, एक और बॉक्स है। तो जल्दी से ज्वेलरी चूज करते हैं और इस चीज को क्लोज करते हैं। हाँ जी गाइस, फाइनली हमने अपनी ज्वेलरी भी चूज कर ली है। ये 2 गोल्ड रिंग्स पहन के जाएंगे, एक ये वाली, एक ये वाली, एक हाथ में ये वाला ब्रेसलेट जो उसने हमें दिया था और एक ये ब्रेसलेट जो हमारी माँ जी ने हमें पाकिस्तान से आते हुए दिया था। ज्वेलरी सेट, कपड़े सेट, शूज सेट। नाउ इट्स टाइम टू चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टुनाइट। नहीं नहीं, लड़की नहीं, लड़की तो पार्टी में ही मिलेगी। अभी हम बात करें ग्लासेस की। तो ग्लासेस ब्रो, ये आपको पता ही है, ये हमारी होली बुक हमने इधर रख दी। ये हमारा बॉक्स हो गया ग्लासेस के लिए। तो चलो जल्दी से पार्टी की ग्लासेस चूज करते हैं। क्या लगता है आपको, फिर ब्लैक चूज की जाए, शेडेड चूज की जाए, या फिर ट्रांसपेरेंट चूज की जाए? ये ग्लास पार्टी ग्लास है, ऑफ कोर्स ये हमने लास्ट टाइम चूज किए थे, तो ये ऑप्शन हमारे लिस्ट से निकल गया। ये पहना जा सकता है उसके बाद, या फिर ये पार्टी ग्लास भी पहन सकते हैं। ये ग्लासेस बहुत बड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि किसी छोटे ग्लास के साथ जाया जाए। लेट मी ट्राई दिस वन। ये कैसा लग रहा है राजा भाई को? कमेंट्स में आपने बता देना है कि राजा भाई पे ये छोटे ग्लास कैसे लग रहे थे। तो इधर आई विल गो विद दिस वन और ये वाला। व्हाट डू थिंक बॉयज, गाइस व्हाट डू थिंक? तो चलो जी, अभी पूरा ड्रेस जब होते हैं फिर ग्लास पहन के साथ ट्राई करेंगे कौन से ग्लास अच्छे लग रहे हैं, और फिर आपको दिखाएंगे कि ये हमारी फाइनल लुक है पार्टी पे जाने से पहले। रेडी होने के बाद जो है सहज आ रहा है हमारे घर में, सहज को पकड़ेंगे, चाय से पियेंगे और फिर हम लोग जो है सहज के घर जाएंगे, वहां पे थोड़ा सा गपशप मारेंगे। प्रोजेक्टर उसके घर पर है, वहां पे मूवी देखेंगे, उसको भी थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद जब भी ये अंधेरा डल जाएगा, चीजें थोड़ा क्लोज हो जाएंगी, फिर हम लोग पार्टी की तरफ निकल पड़ेंगे और हर एक चीज जो है रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों से शेयर करेंगे। 3, 2, 1, go। और ये आपके राजा भाई आपके सामने है, आप देख सकते हैं हमने ट्राई किया है, ये वाले ग्लास अच्छे लग रहे हैं। शर्ट पहन ली है पूरी चमकीली, लालो लाल हुए हैं। वो आपने मीम भी सुनी होगी, लाल है लाल है। तो आज क्लब में बिल्कुल लालो लाल होगा, आज इंजॉय करेंगे, हैवी पार्टी करेंगे। तो चलो आपको पूरी लुक दिखा देते हैं। ये हमारी पूरी लुक है, शर्ट पैंट्स व्हाइट स्नीकर्स विद दिस ब्लैक गॉगल्स ग्लासेस। तो उम्मीद है आपको ये ग्लासेस पसंद आई होगी। अगर आपको ये ग्लासेस पसंद आई, ये ड्रेसिंग पसंद आई, तो उसको भी आएगी जो पार्टी में मिलने जा रही है या फिर फ्यूचर पार्टनर को। तो उम्मीद है आज की पार्टी बड़ी हैवी होगी, बड़ी तगड़ी होगी। हम हर एक चीज रिकॉर्ड करेंगे, आप लोगों के लिए कंपाइल करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह देसी लोंडे
इंडिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और लोंडिया हंगरी में थर्ड नेशनल कंट्री में रहते रहते अपने कल्चर को जिंदा रखा हुआ है, अपने कल्चर को, मूवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं और गज वज के मनाते हैं। तो चलो अभी सहज का वेट करते हैं, उसके घर जाएंगे, बाकी का व्लॉग वहां से कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी गाइस, हमने सोचा कि हम सहज के घर जाके सहज को सरप्राइज करेंगे, लेकिन वहां तो प्लान कुछ और था। देसी पार्टी की खुशी में बॉय ने पूरा देसी माल ही बना दिया। राजा भाई 7 साल बाद ये नान खाने वाले हैं। ओ यार, ऑल क्रेडिट गोज टू अपने सहज भाई। यार मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ ये नान फ्राई करने के लिए, ये बॉय ने बनाए हैं। वो कहते हैं ना कि देसी पार्टी हो देसी खाना ना हो, ये ऐसा ही है कि खुश है मगर अपनी खुशी के बगैर, समझ गए ना। हाँ जी गाइस, देसी खाना हमने खाया ताकि देसी पार्टी में हम फुल देसी धमाल डाल सकें। तो चलो जी उस जगह का 360 व्यू दिखाते हैं आपको, बताते हैं कि आज कैसी कौन सी जगह पे हमारी देसी पार्टी जो है होने जा रही है। तो ये हमारा क्लब था, इसका नाम मैं मेंशन कर दूंगा, अगर कल को आप लोगों ने यहाँ पे आना हुआ तो आप लाजमी आना, क्लब बहुत बड़ा था। तो चलो जी अभी क्लब का आपको 360 व्यू दिखाते हैं। ये रहा इस क्लब का पूरा व्यू आपकी स्क्रीन पे, ये वो जगह है जहाँ पे आप बैठ के ड्रिंक्स कर सकते हैं। हमारी पार्टी हमें पता चला कि ऊपर थी, तो चलो अभी आपको पार्टी लॉन में, पार्टी एरिया में लेके चलते हैं और पार्टी की शुरुआत करते हैं। Let's go.
हां जी गाइस, फाइनली ये थी हमारी देसी पार्टी उस रात के सारे क्लिप्स। उम्मीद है ये देसी पार्टी आपको अच्छी लगी होगी दूसरे ब्लॉग्स की तरह, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट कर देना। बाकी माजरत है, गाने हमें इसलिए चेंज करने पड़े क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, तो उस कॉपीराइट स्ट्राइक से बचने के लिए हमने गाने चेंज किए। तब तक अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, चाओ, अल्लाह हाफिज़।